आज जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद के अध्यक्ष संदीप तिवारी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के घर संसार बाईपास रोड स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी ने बताया कि आज पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो ये कहते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नाम की चीज़ नहीं है। सारे अपराधियों को हमने जेल के शिक्षकों के पीछे भेज दिया है या उन्हें हमने यमलोक पहुँचा दिया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय सर ने अभी कुछ दिन पहले, आपको मालूम होगा कि आई आई टी बी एच यू के एक छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाकायदा उसकी नग्न अवस्था में, बड़ा खेद हो रहा मुझे इस तरह का मैं बात कहते हुए, तस्वीरें खींची, उसको ब्लैकमेल किया और उसके संग दुष्कर्म किया। और वो तीनों के तीनों आरोपी को दूसरे दिन ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया कि तीनों के तीनों जो इसमें लिप्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और उन तीनों को, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उन तीनों जनों को इन लोगों ने मध्य प्रदेश के चुनाव में भेज दिया प्रचार के लिए। और जब कांग्रेस पार्टी का और छात्रों का जब अत्यधिक दबाव पड़ा, तो 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। क्या यही कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? ये एक उदाहरण है। एनसीआरबी का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे है इस वक्त उत्तर प्रदेश। अगर 2023 के रिकॉर्ड देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे अपराध में, जिसको हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब हमारा जो प्रदेश है वो अपराध मुक्त हो चुका है। दूसरा एक उदाहरण है कि विनोद उपाध्याय जी, जो कि गोरखपुर के, और हर व्यक्ति गोरखपुर में आप जानते हैं, हर व्यक्ति किसी से भी पता कर सकते हैं, विनोद उपाध्याय शुरू से ही योगी आदित्यनाथ जी के विरोधी रहे, राजनीतिक विरोधी रहे, और उनके ऊपर एक योजनाबद्ध तरीके से उनको भगोड़ा घोषित कर इनाम की राशि रखी जाती है। उस इनाम की राशि से उनको सुल्तानपुर में उनका एनकाउंटर करवाया जाता है, जो कि साफ दर्शाता है कि एक जाति विशेष के लिए मुख्यमंत्री जी का यह अभियान चल रहा है। यह अभियान वो अपने प्रतिद्वंदियों को इसी तरीके से साफ कर रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि, और उसके बाद कहते हैं हमारा प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त हो चुका है। एक एक करके वो ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनसे अपराध का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, या तो वो उनके प्रतिद्वंदी हैं या उनकी नीतियों का वो विरोध कर रहे हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि इस तरह की कार्यप्रणाली उन्होंने अपना रखी है। ये सब क्यों है कि लोगों का जो बेसिक चाहिए उनसे ध्यान भटकाने के लिए, युवा रोजगार नहीं मांगे, महिलाएं सुरक्षा नहीं मांगे, किसान अपना हक नहीं मांगे, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, किसानों की समस्या दिन पे दिन विकराल होती जा रही है, किसान उसके चक्कर में आत्महत्या कर रहा है, और जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसको किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा जाता है, धमकाया जाता है, उस पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। हो सकता है कल को मुझ पर भी लगाए जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी फर्जी मुकदमा लगा के मुझको भी बंद किया जाए। हमारी यही मांग है कि इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए इन सब घटनाओं की, और इसमें असली जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग है। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है, असलियत में अगर आप जानेंगे तो उत्तम प्रदेश नहीं है, आज आपराधिक प्रदेश बन चुका है। और सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए जो काम हिटलर ने किया था वो यहाँ की सरकार। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।